Hello, students. How are you all? Hope so, all of you are happy and fine. Today, we are going to discuss opportunistic diseases and treatment of AIDS. Let's start lecture. students, we are talking about opportunistic disease. Opportunistic is the word from opportunity. And opportunity means that you have to be able to do it. So, as diseases disease, मौका हासिल करती है एच के होते हुए ऐसी डिजीजे को कहा जाता है अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस एच आई वी इट्स ना तो ये डिजीज कॉज करती है और जैसा कि हमने इंफेक्शन साइकिल में देखा ठीक है और ना ही ये इंसान को यानी कि किल कर सकती है होता क्या है कि बस आ, जो इम्यून सिस्टम है वो दिन ब दिन दिन ब दिन ग्रेजुअली जो है वो आ, वीक होता चला जाता है और वीक इम्यून सिस्टम हो जाने की वजह से द बॉडी विल बी अनएबल टू रिस्पॉन्ड or to protect us or our immune system will be unable to protect us against the diseases. So that way diseases are called as now the opportunistic diseases. So HIV does not cause any disease nor kills any person. It only destroys the T cells, the T helper cells, which uh, provoke the immune response, which are responsible to mediate the uh, immune response. So leading to gradual weakness, leading to gradual weakness of immune system.

कि एक तो इसकी ट्रांसमिशन जो है वो काफी हद तक दूसरे पर्सन में वो बेहतर हो जाएगी मतलब उसको रोकने में हेल्प करेगी हेल्पफुल है और इससे उसकी जो जिंदगी है उसमें जो लाइफ स्पैन है उस शख्स का एच आई वी पॉजिटिव शख्स का वो बेहतर हो सकता है फिर और खास तौर पर अगर एच आई वी जो है वो जल्दी डायग्नोज हो जाए और उसका जो ट्रीटमेंट है यानी कि ए आर टी एंटी रिट्रोवाइलोथेरापी टाइमली स्टार्ट कर दी जाए

एंड लेकिन ये इसके अलावा इससे कुछ ना ड्रॉबैक्स हैं साइड इफेक्ट्स हैं जिनको कहा जाता है ए आर टी टॉक्सिसिटीज यानी कि इवन कि हम जैसे कि डिस्प्रेन भी खा रहे हैं पेनाडोल भी खा रहे हैं तो उसका भी कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो होता है ठीक है अगर आप लिफ्ट खोल के देखें तो उसमें उसके साइड इफेक्ट्स लिखे होते हैं हर वो चीज जिसका इफेक्ट होता है उसका साइड इफेक्ट लाजमी होता है क्लियर मोस्ट ऑफ द टाइम तो इसी तरह से एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी

स्क्रीनिंग फॉर एचआईवी सबसे अहम चीज जब भी किसी को ब्लड डोनेट किया जा रहा हो चाहे वो डोनर है चाहे वो रिसीवर है ठीक है तो हमेशा स्क्रीनिंग करवानी चाहिए तो ब्लड ग्रुप की स्क्रीनिंग के साथ साथ एचआईवी की स्क्रीनिंग प्रॉपरली करवाना जरूरी है अगर किसी के ब्लड में एचआईवी हुआ और उसने किसी दूसरे शख्स को डोनेट कर दिया और स्क्रीनिंग से उसकी स्क्रीनिंग नहीं करवाई पता नहीं चला तो उस शख्स को भी एच हो जाएगा क्लियर इसी तरह से डू नॉट शेयर स्क्रीनिंग भी फिर डू नॉट शेयर क्या चीज शेयर नहीं कर सकते आप टूथब्रशेस ठीक है क्योंकि आमतौर पर जो उसके जो हेयर्स होते हैं वो हमारे गम्स में बेनिफ्रेट करते हैं ब्लेड्स यानी कि किसी and towels, इनको भी यूज नहीं करना क्योंकि ये चीजें रब होती हैं आ, स्किन के साथ। और की है खास केयर की जरूरत है केयर एट शॉप नाइस सबकी दुकान पे और सेलोन्स के अंदर लाइक ब्यूटी सैलोन और हेयर कटिंग सेलोन ठीक है वहां पर इसकी खास एहतियात बरत, बर, उसको बरतनी चाहिए हम सबको कि एक तो वो कि रेजर जो है डिस्पोजेबल है करें अगर ये वाली क्वालिटी नहीं है तो फिर क्या वो स्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं ये वाली भी चीज अगर नहीं है तो फिर एटलीस्ट

If someone is having AIDS, और उसको चाहिए कि शी शुड यूज द फिजिकल बैरियर्स आर नॉन एज कॉन्डम्स बिफोर है कोमॉरल अखलाकी तौर पर गैरखलाकी हरकत किसी भी हवाले से हो तो अल्लाह ताला ने uh, जो uh, हमारी बॉडी डिजाइन किया उसी के अकॉर्डिंगली सभी चीज़ों को परफॉर्म करना चाहिए सो इमोरलो देश इसी वजह से तो उसको की बीमारी भी कहा जाता है बहुत सारे कलाम का इस चीज़ पर इतफाक़ा कही जो एड्स है uh, ये एक अजाब है ठीक है कुछ बीमारियां जो होती हैं वो आजमाइश होती हैं और कुछ जो होती हैं वो अजाब के तौर पर होती हैं इसी वजह से तो अब तक इसका कोई ना तो प्रॉपर वैक्सीनेशन हो उसकी और ना ही इसके वाले से कोई मजीद कोई बेहतर जो ट्रीटमेंट है बहुत अच्छा कोई ट्रीटमेंट भी अवेलेबल फिलहाल नहीं है एंड शिक एक चीज बस में रखनी है अगर किसी शख्स को एड्स हैं तो उसका मतलब नहीं कि उससे जिंदगी कट ऑफ कर लें ऐसी कोई जरूरत नहीं है उसके हाथ मिलाने से उसे गले लगाने से और खांसी करने से या स्नीज करने से इन सारी चीज़ों से जो स्टूडेंट्स कभी भी एच आई वी जो है वो आगे ट्रांसमिट नहीं होता एक स्विमिंग पूल में नहाने से भी जो है आमतौर पर ये ये चीज़ें आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती हैं एच आई वी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता या जो डोर की नॉब्स होती हैं या सर्फेस जो होती हैं किसी भी चीज़ की वहाँ पर भी इसी तरह से ट्रांसमिट नहीं हो सकता तो इतना भी ज़्यादा वो मतलब के, के ओवर कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है इन लोगों के साथ बिल्कुल नफरत की निगाह से नहीं देखना इनके साथ मिलकर रहना तो इन चीजों सिर्फ इन चीजों का एहतियात करना है जिससे जो आपको बताई जा रही है बस मेन चीज़ है बॉडी वो किसी ना किसी तरीके से ट्रांसफर होने से उससे बचना है